सारा देश में वर्षा बित्पात लगा वर्षा जनजीवन अस्तव्यस्त अनेक स्थान में बन्या स्थिति गंभीर रेल सड़क विमान चलाचल बाधाप्राप्त वर्षापाई दुर्घटन सारा देश में 20 ऊर्ध लोकों मृत्यु भीषण गरम पर देशर अधिकांश स्थान छुई मौसुमी आरंभर ही साधारण जीवन प्रभावित कला सारा देश में एवं वर्षा जो जनजीवन प्रभावित होता देखा मिली प्रबल वर्षा जो हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन हो लगातार वर्षा लग रही हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन सह बन्या होता जमापड़ी एक कारण ट्राफिक जाम होता देखा मिली देखिए पिछले 48 घंटे में हिमाचल के में वाइड स्प्रेड बारिश हुई है और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी हुई है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करते हैं तो जिला मंडी ऐसा जिला है जहां पे हाईएस्ट रेनफॉल हुई है और इसी तरह से सिरमौर और शिमला में भी भारी बारिश हुई है। जहां तक रेनफॉल की इंटेंसिटी की बात है सरका घाट में 134 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। इसी तरह से सुंदरनगर है बुलद्वाड़ा है वहाँ 92 के आसपास बारिश है। आज और कल हमने ऑरेंज अलर्ट रखा हुआ है और उसमें ये है कि एक तरह से जो जो भी वल्नरेबल एरियाज हैं पॉकेट्स हैं जहाँ जहाँ बारिश से आमतौर पर आप देख रहे होंगे कि परेशानियाँ हो रही हैं उसमें रोडवेज है उनको बहुत दिखते हैं लैंडस्लाइड की संभावनाएँ ज़्यादा है। पानी की बड़ी समस्याएँ हैं क्योंकि जो भी रिवलेट्स हैं खड्डे हैं वहाँ पर सिल्ट वगैरह काफ़ी हो गया है तो वो आगे और बढ़ेंगी। ये हर साल इस तरीके के मानसून प्रदेश के अंदर आते हैं बट दिस टाइम under the leadership of our honorable chief minister we are well prepared for all the eventualities. पिछले दो तीन दिन से येलो अलर्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर जारी किया गया है और मैंने आंकड़े भी कहे थे कि करीबन अभी 301 सड़कें प्रदेश के अंदर जो है वो इससे ग्रसित हुई है।